250 जादूगर हमारे देश में हर साल जादू की कन्वेंशन होती है जिसको बोलते हैं जादू का समागम। उसमें जादूगर बंधु अपना अपना खेल, अपने अपने इजाद किए खेल एक दूसरे को बांटते हैं, जिस प्रकार से डॉक्टर अपनी कन्वेंशन करते हैं और नई नई इजाद जो होती है वो अपने मरीजों पर उसका उपयोग करते हैं अच्छे के लिए, भले के लिए। इसी प्रकार से देश के 250 जादूगर प्लस उनकी फैमिली यहाँ पर एकत्रित हुई है और हम अपने विचार, जो छोटे जादू, वैसे तो छोटा बड़ा कोई नहीं होता, लेकिन जो छोटे शो करते हैं, जो बड़े शो करते हैं, हम सब यहाँ पर आकर एक हो जाते हैं और एक मिलने के बाद अपनी कला का आदान प्रदान करते हैं। तो हम आदान प्रदान करने के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर हम मंडपम में ठहरे हुए हैं और होटलों में ठहरे हुए हैं और शाम को हम जादू का शो करते हैं। यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से, ये नेशनल कन्वेंशन है तो पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर आए हैं। अच्छा ये बताइए, ये प्रदर्शन क्या होगा आप लोगों का, क्या प्रदर्शन वगैरह? ये प्रदर्शन हमारा हमारे जादू के हॉल में ही होगा। यहाँ पर सिर्फ दर्शन और दर्शन मात्र के लिए आए हैं, क्योंकि राम लला से बढ़कर, भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर कोई जादूगर नहीं है, तो उनको जादू दिखा के क्या करना है। आज रामलला जी के दर्शन के हेतु और अपना जादू का समागम करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हर साल अलग अलग जगह पे ये कार्यक्रम होते रहते हैं। कैसा लगा यहाँ अयोध्या? यहाँ आकर बहुत ही मंदिर तो बहुत ही शानदार है, अद्भुत है, जो 500 साल के बाद ये बना है और हमें ये भगवान की कृपा है जो हम सब जादूगरों को एक साथ इकट्ठे दर्शन देने का उन्होंने हमें मौका दिया है। हम तीन जनरेशन मैजिशियंस की हैं। मेरे फादर मैजिशियन हरे कृष्णा पहली जनरेशन, मेरी मम्मी भी है मैजिशियन राधा कपूर, सेकंड जनरेशन में हम चार बहनें, मैं संगीता कपूर मैजिशियन, और थर्ड जनरेशन में मास्टर मैजिशियन यश, मेरा नेफ्यू। तो हम तीनों जनरेशन गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। और मैंने 2001 से एक मुहिम चलाई थी, मैजिक अवेयरनेस प्रोग्राम। मैजिक सिर्फ एक कला है, एंटरटेनमेंट और साइंस की। मैजिक कोई चमत्कार नहीं है, कोई भी सीख सकता है, कोई भी कर सकता है, हर उम्र हर जेंडर का कोई भी मैजिक को कर सकता है। मैजिक एक आर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट है। आप भगवान के दरबार में आई है, रामलला के सम्मुख आई है, तो कैसा होगा आपका उत्साह? होगा उत्साह बहुत ज्यादा है। रामलला की यहाँ पे एनर्जीज बहुत पॉजिटिव हैं। हम यहाँ पे खड़े होकर ही उनके आशीर्वाद को महसूस कर सकते हैं। सिर्फ ये कह सकते हैं जय श्री राम, जय हनुमान। लोग इकट्ठा हुए हैं अयोध्या में और यहाँ पर जादू का सम्मेलन कई दिनों से चल रहा है, दो दिनों से आज हमारा लास्ट है। और हम लोग यही संदेश दे करके जाएंगे कि आप सब लोग आएं और रामलला जी का दर्शन करें, ये हमारा उपदेश है। और रामलला से बढ़ के कोई जादूगर नहीं है।